सेकेंड होल्ड मैम यहाँ कैमरा में लुक कैमरा हो गया अच्छी लग रही है आपकी स्पेशल आज पहन के आई हूँ क्योंकि आज एक ऐसा दिन है I'm so happy that आज मैं यहाँ पर हूँ आज गायकी नाइन बर्थडे डे मैं बनती हूँ बहुत शुभकामनाएं बर्थडे देती हूँ आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर आज मुझे सुनने को मौका मिलेगा बहुत सालों के बाद थैंक यू मैम थैंक यू कृष्णा भाई चला था ना इसको हाँ इसको चला था ना नहीं 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 बोला बोल गया अब सोलो सोलो करने एक बार जाले साथ में जाले ए टेबल इधर ले इधर बोल रहे हैं क्या ये बहुत ही उनके सौभाग्य की बात है कि पंडित जी परफॉर्म भी करते हैं हमारे साथ में भी हैं और मेरे को हमें इंस्पायर भी करते हैं फिर अभी सॉफ्टवेयर हर एक म्यूजिशियन को इंस्पायर करते हैं आप बात से सहमत हैं बहुत बड़ा उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है सब कलाकारों को और कोई ऐसा कलाकार जिसका रियाज बहुत तगड़ा हो और जो बहुत ही पक्का हुआ मतलब जैसे अब हम लोग क्या बोलें सबको पता है पंडित जसराज जी का क्या होता है ऐसे ही कलाकार इतने समय तक गा सकते हैं मतलब अदरवाइज अगर आपका के रियाज में वो बात ना हो तो 89 के एज तक गाना गाना कुछ बड़ा मुश्किल काम है और वो तो क्लासिकल पूरा जो क्लासिकल है उनकी गायकी तो कितने पक्के कलाकार हैं ये हमें पता चलता है कि 89 की एज में भी वो कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं बस 90 साल के होने वाले हैं तो हैट्स ऑफ टू हिम और हम सब तो उनके बहुत कायल हैं उनके बच्चे हैं उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं उनका आशीर्वाद चाहते हैं ज़िंदगी में और उनका इतना भी हमें उनसे थोड़ा मिल जाए कुछ गुण या कुछ सीख तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है आप बताना चाहेंगे कि उनकी विशेष कंपोजिशन जो मतलब बहुत प्रभावित करती हो आपके म्यूजिक में भी कहीं आपको इंस्पायर की गई बिल्कुल देखिए हम तो सीखे ही उनसे हैं मैं तो भतीजा हूँ जैसा आप जानते हैं मेरे फादर उन चाचा जी के बड़े भाई हैं तो हम एक ही फैमिली से हैं और जो आज जो बच्चे गा रहे थे वो हमने भी बचपन में सीखा है वो तो इंस्पिरेशन तो बहुत उनसे हमेशा ही रहा है वो हमारे फैमिली के पिलर हैं और आप देखिए 90 साल के होने जा रहे हैं वो और अभी तक वो गाते हैं और मुझे लगता है कि यही एक चीज़ है जो वो करते रहते हैं यहाँ से वहाँ जाते हैं काम करते रहते हैं इसी चीज़ से उनको खुशी मिलती है और उनका जीवन आगे बढ़ता है तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि वो हमेशा हमको गाते हुए ही दिखें और हंसते हुए दिखें और हमेशा उनसे सीखने का मौका मिले मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ मुझे उनको गंवाने का भी कई बार मौका मिला है हालांकि वो गाते नहीं हैं मगर मैं जब जाता हूँ तो ऐसे ऐसे करके गा ही देते हैं मेरे लिए और बहुत अब मैं ये कहूँगा कि इस समय ये एक वाहिद अपने हिसाब पे एक ही इंसान है पूरी दुनिया में और इनके लेवल का आर्टिस्ट अब नहीं है सब जो थे बहुत महान जो हमारे थे रविशंकर वगैरह
बड़े बड़े कलाकार थे वो सब ख़त्म हो गए। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हमको उनको देखने का यश प्राप्त हो रहा है और बहुत प्रार्थना है उनसे कि भगवान उनको आयुष्मान रखे। धरोहर है हमारी, हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय म्यूज़िक, भारतीय संगीत के धरोहर है जी। थैंक यू सो वेरी मच। और सारी ज़िंदगी इन्होंने डेडिकेट करी है अपने म्यूज़िक को जी। और इतने सिंपल सादे इंसान हैं, बहुत ही सिंपल इंसान है, लेकिन जितने वो सादे इंसान हैं उतनी ही बड़ी उनकी गायकी है। तो ये एक बहुत उच्च कोटि के कलाकार ही इस तरह के होते हैं, जो विनम्र होते हैं लेकिन उनकी कला बहुत बड़ी होती है। एक्चुअली थॉट इसीलिए आया कि 90 के दशक में बापूजी ने पदार्पण किया है, 89 ईयर्स के वो हो गए हैं, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट दशक है और सोचा कि इसको जितने संगीत प्रेमी हैं उनके साथ हम मनाएं और क्या कुछ ऐसा किया जाए जिसमें कि उनकी संगीत की यात्रा को सेलिब्रेट करें, जो उनकी जो संगीत के जो अलग अलग मोड हैं, जो टर्निंग पॉइंट्स हैं उसको हम सेलिब्रेट करें। तो इस उनकी खुद की जो एक ऑटोबायोग्राफिकल म्यूज़िकल इवेंट है जहाँ पर वही सूत्रधार है और वो संगीत की यात्रा से लोगों को अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। तो ये बात जी, पंडित जी का होना हमारे लिए एक धरोहर है, ना सिर्फ संगीत जीवन ही हमारे लिए काफ़ी प्रेरणादायक है। कोई आप अपना कोई ऐसा बता सकती हैं जो आपके म्यूज़िक संगीत आपकी गायकी में प्रभाव रहा हो? पहले तो मैं गुरु जी या पंडित जी को मैं अपने 89th या 90th बर्थडे के लिए मैं बधाई देना चाहती हूँ और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि वो 100 क्या 200 साल तक जाएँ और हम जैसे लोगों को इनकरेजमेंट, एक प्रेरणा। एक तो होता है कि जन्म लेना, मैं खुश हूँ कि मैंने संगीत के क्षेत्र में मेरा जिंदगी इस रास्ते में चला है, पर खुश इसलिए हूँ कि ऐसे टाइम में जन्म हुआ कि पंडित जी जैसे लोग के साथ उठना बैठना, उनको गुरुजी बोलने का मुझे भाग्य सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं ऊपर वाले से बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि 6-8 पंडित जी के साथ 76 में मेरी पहली मतलब फॉर्मल मुलाकात हुई और कान कहानी सुनने करें उन्होंने गाया और दुर्गा वॉज अ वेरी वेरी स्मॉल गर्ल और इतना सुंदर हमने एक ड्यूएट भी गाया था और वो उनके मेरे कॉम्पोजिशन सीखते सीखते बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। फिर उसके बाद उनसे शिवाजी पार्क में घर जाके म्यूज़िक सीखने का मुझे सौभाग्य मिला और उनको गुरु जी कहने का सौभाग्य मिला। तो एक होता है कि म्यूजिशियन की एक लाइफ पर पंडित जी के बारे में मैंने मुझे यही लगता था कि हर बात में वो हमारे लिए मिसाल है। जिस तरह से आदमी एक उनका पर्सनालिटी, जो प्लेजेंट पर्सनालिटी, उनका एब्सोल्युटली ग्रेट सिंगिंग, उनका बातचीत करने का ढंग, उनकी बहुत बहुत प्यारा मुस्कुराहट, हर चीज़ से वो मतलब हम आई थिंक वी वर ऑल
एब्सोल्युटली मतलब उनको देखते रहते थे और वी वर एब्सोल्युटली फैसिनेटेड बाय हिम, बाय हिज म्यूजिक, बाय हिज पर्सनालिटी। और सबसे फॉरमोस्ट मैं ये कहूँगी कि वो 90 years, 100 years, 150 years जितने साल वो गाएंगे, उनका म्यूज़िक में एक ऐसी चीज़ है जो स्पिरिचुअलिटी है। जब तक म्यूजिशियन के अंदर स्पिरिचुअलिटी हो वो सिंगिंग कुछ म्यूज़िक से भी मुझे लगता है म्यूज़िक से भी ऊपर वो बात है जो पंडित जी के अंदर है, एक स्पिरिचुअलिटी है। एंड आई थिंक आई एम फैसिनेटेड बाई द स्पिरिचुअलिटी इन हिज सिंगिंग। आई फाइंड एवरी नोट मेक्स मी थिंक ऑफ गॉड, एंड फॉर मी those are the musicians who stay foremost alive in my heart, people who make me think of good things, people who make me think of the right path in life, people whose music makes takes me closer to God. And I'm fortunate that I've had just a few moments of my life with him, and I'm fortunate that I've had that and grateful to God for that. And all my blessings to him, his family, and may they live to be 100 years too and continue with his great, great tradition of music. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Oh God, very bad throat है जी। सर हम पहले इस इवेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं, इस इवेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये तो हर साल होता है और हर साल होना चाहिए और बहुत बरसों तक होते रहना चाहिए। पंडित जी जो है वो एक महान संगीतकार गायक तो ही हैं। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की जो हमारा संस्कृति है, हमारे जो सभ्यता है, हमारी जो परंपरा है, उसके जो बड़े ऊंचे ऊंचे मीनार हैं, लाइट हाउसेस हैं उनमें से, और हम सबके सब जो हैं उनसे मोहब्बत भी करते हैं, उनका आदर भी करते हैं और उनके चाहने वाले भी हैं। यहाँ हमने कुछ कई बड़े दिलचस्प काम एक साथ किए। एक तो एक हम लोगों ने एक तिरंगा नाम का एक प्रोग्राम किया था और करते रहे, कई बार किया है, जिसमें मेरी 5 कविताएं हैं और वो तिरंगे के बारे में हैं, लेकिन उसमें तिरंगे का कहीं देश का और इस तरह की जो बातें होती हैं उसका जिक्र नहीं, बल्कि एक दूसरी तरह से उसे लिया है कि जैसे सबसे ऊपर जो रंग है गेरुआ उस पर एक कविता है, उस रंग के बारे में हम जब सोचते हैं तो हमें देश में कहाँ कहाँ दिखाई देता है, तो उसका जिक्र है। फिर एक कविता है सफ़ेद पे, फिर एक कविता है हरे रंग पे, फिर एक कविता है चक्र पे। तो ये जो मैं एक एक कविता पढ़ता हूँ और एक एक मैस्ट्रो उस पर अपनी म्यूजिक से परफॉर्म करता हूँ। जब मैं श्वेत सबसे पहले जो है मैं उसे पहले तो वो नारंगी पढ़ता हूँ, तो नारंगी पे पंडित जी एक 10-15 मिनट अपने सुरों से, अपनी रागदारी से उस नारंगी रंग को दिखाते हैं। उसके बाद फिर जब मैं श्वेत पढ़ता हूँ सफ़ेद, तो उसके ऊपर कभी हरिप्रसाद चौरसिया जी होते हैं, कभी शिव कुमार शर्मा जी होते हैं जो उसे दिखाते हैं। फिर तो उसी तरह से हरे रंग पे एक मैस्ट्रो, फिर वो जो तबला है उस पर अक्सर हमारे जाकिर साहब तबले से वो चक्र को बनाते हैं और आपको चक्र दिखाई देने लगता है, और उसके बाद फिर इनकी एक जुगलबंदी होती है, इसमें समझिए एक तरह से नारंगी रंग और सफ़ेद रंग और हरा रंग और चक्र एक दूसरे से मिल रहे हैं, और मिलते मिलते फिर उसकी जो क्लाइमेक्स होता है उस पर मैं एक कविता जिसमें ये सारे सिंबल्स को जोड़ के वो कविता बनी। तो उसमें हम कहीं कोई डायरेक्ट बात नहीं कहते, लेकिन आपको जब तक ख़त्म होता है प्रोग्राम तिरंगा दिखने लगता है। तो एक तो ये प्रोग्राम था, और एक और हमने किया था कुछ लोगों के लिए, एक टैगोर का एंथम जो साइंस एंथम उन्होंने लिखा था उसे मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया था उसी ट्यून पे जिसमें वो गाया जाता है बंगला में, और उसको पंडित जी ने गाया। वो
देखिए आप फिर भी करें, कुछ लोग निंदा आपकी करेंगे, उसकी आप फिक्र ना कीजिए, लेकिन ये कि वो एक दूसरा समय था और उससे पहले हमारी ट्रेड भी बहुत होती है, अभी टमाटर तो अब बंद हुए ना, बहुत सारी बिजनेस भी साथ में होते हैं, यहाँ एम्बेसी है और वहाँ एम्बेसी है, तो अब आप इस पर ऑब्जेक्शन नहीं करती, ये एम्बेसी क्यों रखा हुआ है, ये काउंसलिंग क्यों है, ये ट्रेड क्यों हो रही है, ये सिर्फ शो बिजनेस पे इतना नजला क्यों गिरता है, और सबसे पहले शो बिजनेस ही रिएक्ट करता है, हम ही लोग सबसे पहले पीछे हटते हैं, जो म्यूज़िक के लोग हैं, ड्रामा के लोग हैं, थिएटर के लोग हैं, फिल्मों के लोग हैं, हम तो फौरन रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन बाकी तो जो बिजनेस बंद होते होते तो वक्त लगता है, है कि नहीं? आप कुछ मेरे बचपन के बारे में भी सवाल करेंगे भी या नहीं, तो पूछ रहा हूँ, इतने सारे सवाल कर रही है तो चाइल्डहुड के बारे में, कहाँ बचपन मेरा गुजरा, कैसे गुजरा, ये भी टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, लेकिन आज ये खास ओकेजन है, आज जो सवाल है वो इसके बारे में कीजिए, होली आने वाला है, हम लोग के घर में तो बहुत बड़े पैमाने पर होली होती है, जानकी कुटीर में जो बिल्कुल सामने है पृथ्वी थिएटर के, वहाँ पर कैफी साहब का घर है, और अब तो वहाँ कोई रहता नहीं है भी, लेकिन बहरहाल वहाँ पर ये सारे जो बड़े फंक्शन होते हैं वहीं होते हैं, और अभी 21 तारीख को वहाँ बहुत बड़ी होली है, सब लोग आएंगे, आप लोग भी आइए, ये मुझे पता नहीं क्यों, जैसे हैप्पी दिवाली या हैप्पी क्रिसमस या हैप्पी ईद तक तो ठीक लगता है, लेकिन हैप्पी होली जो है वो बड़ा टिमिड लगता है, हैप्पी होली नहीं, होली है बोलते हैं, हैप्पी होली तो ऐसा लगता है शर्मा के कुछ एक चुटकी रन बस में दिया है, इसमें थोड़ी सी वाइल्डनेस चाहिए, है कि नहीं? मैं क्या कहूँगा पंडित जी के बारे में, ये सारे जो है वो ये हिमालय हैं, और आज इन्हें देखने को मिल रहा है, इन्हें छूने को मिल रहा है, इन्हें सुनने को मिल रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। दरअसल मेरा और जसराज परिवार का जो संबंध है वो आज से 32 साल पुराना है, 1986-85, 32-33 साल पुराना। मैं एक सीरियल करता था कॉल्ड फास्टर फेणे, जिसको प्रोड्यूस करती थी मधुरा जसराज जी, पंडित जी की बीवी, तो उस ज़माने में घर पे आना जाना होता था, और तब पंडित जी को ऐसे उनका रियाज़ सुनने का मौका मिला, और आज इतने सालों बाद फिर एक बार उन्हें मिला और उन्होंने पहचाना मुझे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि उनके इस जन्मदिन के अवसर पर मैं उनको ढेर सारी बधाई देता हूँ, और उन्हें उत्तम स्वास्थ्य मिले, और बस उनकी आयु बढ़े, जय हिंद, थैंक यू सो मच।